प्रभु ईसा मसीह में उपस्थित आदरणीय पल्ली पुरोहित फादर रॉबिन्सन, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को आने वाले पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से अदा करता हूं। कई साल पहले अमेरिका के एक स्कूल में एक सर्वे किया गया था। सर्वे में ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था कि अंग्रेजी भाषा में सबसे खूबसूरत शब्द कौन सा है, विच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ड इन इंग्लिश। बच्चों ने बहुत सारे उत्तर दिया। कई बच्चों ने बोला प्यार, कई बच्चों ने बोला ममता, कई बच्चों ने बोला करुणा, कई बच्चों ने बोला मदद करने का मनोभाव, समझौते का मनोभाव। लेकिन आखिरी में एक छोटा से बच्चे ने कहा सबसे खूबसूरत शब्द है मदर, आई, माँ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ अंग्रेजी भाषा में नहीं, लेकिन इस दुनिया में सबसे खूबसूरत शब्द, सुंदर शब्द है माँ, आई, मदर। क्योंकि एक माँ में हम इन सभी गुणों को देख सकते हैं, माँ की ममता, माँ की करुणा, माँ का प्यार, माँ की क्षमा, अने बहुत सारे गुणों को हम एक माँ में देख सकते हैं। इसलिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा में नहीं, लेकिन इस दुनिया में सबसे सुंदर शब्द वह है आई, माँ, मदर। और हमको मालूम है आज ध्वजारोहण के द्वारा, नवेना प्रार्थनाओं के द्वारा, पूजा बलिदान के द्वारा हम हमारे माँ का जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हमको मालूम है माँ का बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना हर एक बच्चे का हक है और कर्तव्य है। और हमारे माँ का बर्थडे मनाने के लिए तैयारी करते समय उस माँ के कई गुणों के बारे में, कई विशेष स्वभाव के बारे में मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूं। सबसे पहला गुण हम मादा मरियम में देख सकते हैं कि मादा मरियम उनके जीवन में हमेशा ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहती थी, तत्पर रहती थी। अगर हम मादा मरियम की जिंदगी में देखे जाए तो हमको पता चलता है कि मादा मरियम उनके जिंदगी के हर क्षण, हर पल ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार रहती थी, तत्पर रहती थी। जब देवदूत आकर मादा मरियम को कहा तुम प्रभु की मां बनने वाली है, तब मां मरियम ने अपने सभी सपनों को त्यागते हुए, अपने सभी इच्छाओं को छोड़ते हुए हां बोला। फिर हमको मालूम है मां मरियम ईश्वर की मां बन गई। अने ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, ईश्वर की सपनों की पूर्ति के लिए मां मरियम ने अपने सभी सपनों को, इच्छाओं को त्याग दिया। और हम और मादा मरियम में फर्क इतना ही है कि हम अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सपनों की पूर्ति के लिए हम ईश्वर और उसके योजनाओं को, उसके इच्छाओं को हम छोड़ देते हैं। हम और मां मरियम में फर्क यही है कि मां मरियम ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, ईश्वर की सपनों को पूरा करने के लिए खुद का इच्छा, सपना सब छोड़ दिया। हम हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उसके पूर्ति के लिए हम ईश्वर और उसकी योजनाओं को छोड़ देते हैं। तो मां मरियम हमको आज यही बताते हैं कि हमको भी हमारे जिंदगी में ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहना है, तत्पर रहना है। और मां मरियम का दूसरा विशेषता, दूसरा गुण यह है कि मां मरियम हमको प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देती है। हमको मालूम है हम सब प्रार्थना करते हैं, मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं। आजकल कोरोना का सीजन है, इसलिए ऑनलाइन में, यूट्यूब में, बहुत सारे चैनलों में हम प्रार्थना करते रहते हैं, और घर में भी हम पारिवारिक प्रार्थना करते रहते हैं। और हमको मालूम है हम प्रार्थना करने के बाद अगर हमको ऐसा लगा कि हमारा प्रार्थना को ईश्वर सुना नहीं, तो हम नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, मंदिर आना छोड़ देते हैं, घर का आशीर्वाद करना छोड़ देते हैं। क्योंकि
हमारे प्रार्थना को ईश्वर ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन मां मरियम हमको यही बताते हैं कि हमको हमारे जिंदगी के हर क्षण यानी हमेशा हमको प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रभु ईसा मसीह ने गेत्सेमनी बाग में यह प्रार्थना किया कि हे पिता, हो सकते हो ये प्याला मुझसे हटा दीजिए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरा हो जाए। हमको मालूम है प्रभु ईसा मसीह ने यह प्रार्थना कहां से सीखा। यह प्रार्थना प्रभु ईसा मसीह ने मां मरियम से सीखा। मां मरियम ने भी यही बोला, आपकी इच्छा मेरे जिंदगी में पूरा हो जाए। वही प्रार्थना उनके दुख के समय, संकट के समय प्रभु ईसा मसीह ने भी रक्त पसीना बहाते हुए यही प्रार्थना किया, हे पिता, हो सकते तो ये प्याला मुझसे हटा दीजिए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरा हो जाए। और आज बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, मम्मी पापा लोग, और हम बैठे हुए हर एक मम्मी पापा का कर्तव्य है अपने बच्चों को प्रार्थनामय जीवन में बढ़ाने का, चर्च आते समय उनको भी लेके आने का। आजकल बहुत सारे मां बाप अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज देते हैं और हम चर्च में आ जाते हैं। अने यहां बैठे हुए हर एक मां बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को प्रार्थनामय जीवन में बढ़ाने का, ताकि नहीं तो जब उनके जिंदगी में कुछ दुख आए, संकट आए, परेशानी आए, प्रॉब्लम्स आए, तब हमारे बच्चे ईश्वर की ओर दृष्टि उड़ाए। इसलिए हमको हमारे बच्चों को विश्वास में बढ़ाना, प्रार्थनामय जीवन में बढ़ाना हम सबों का कर्तव्य है। कभी कभी सोचते हैं ये सिर्फ फादर लोगों का, सिस्टर लोगों का, नहीं तो गुरुजी लोगों का काम है। चर्च में हम बच्चों को भेज दिया, बाकी उनका काम है देखने का। लेकिन हम सबों का कर्तव्य है, हम सबों का जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि अपने बच्चों को विश्वास में बढ़ाने का। और मां मरियम का तीसरा गुण है, मां मरियम हमको क्रिस्त को साक्ष्य देने के लिए कहते हैं। संत पापा पॉल चटवे मां मरियम को स्टार ऑफ इवांजलाइजेशन कहते हैं। हमको मालूम है, आज के सुसमाचार में हमने पढ़ के सुना है, काना के विवाह के समय जब उनका द्राक्षरस खत्म हो गया, लोग मां मरियम के पास आया, मां मरियम को बोला हमारा अंगूरी द्राक्षरस खत्म हो गया। मां मरियम ने यह नहीं बोला कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुमको कुछ मैजिक दिखाऊंगा, नहीं तो कुछ जादू दिखाऊंगा ताकि तुम्हारे मड़कों में द्राक्षरस भर जाए। मां मरियम ने क्या बोला, तुम उसके पास जाओ, वे तुम्हें जो कुछ कहे वह पूरा करना। आज मादा मरियम हम सबको यही बताते हैं, उसके पास जाओ। अगर तुम्हारे जिंदगी में कुछ दुख है, संकट है, परेशानियां है, दोस्त के पास जाने के बदले उसके पास जाओ। हम अपने मित्रों के पास जाने के बदले, अपने कंपनी के पास जाने के बदले हम उसके पास जाओ, क्योंकि इस दुनिया में हमको 100% समझने वाला एक ही व्यक्ति प्रभु ईसा मसीह है। ना कोई अपने पति पत्नी बच्चे हमको 100% समझ नहीं सकते हैं। हमको 100% समझने वाले एक ही व्यक्ति है, वह हमारे लिए क्रूस पर मारे गए प्रभु ईसा मसीह है। इसलिए आज मां मरियम हमको भी यही बताते हैं कि तुम्हारे जिंदगी में अगर कुछ दुख है, संकट है, परेशानियां है, प्रॉब्लम है, तो कहां जाना है, प्रभु ईसा मसीह के पास जाना है। वे तुम्हें जो कुछ कहे उसको पूरा करना। अनेक प्रभु के वचनों को सुनते हुए उसके कहने के अनुसार हमको हमारा जिंदगी बिताना चाहिए। और हमको मालूम है, संत अम्ब्रोस कहते हैं, मां मरियम एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी से प्रभु ईसा मसीह ने इस धरती पर आया ताकि हम सब उस सीढ़ी द्वारा स्वर्ग चढ़ सके। मां मरियम एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी से प्रभु ईसा मसीह इस धरती पर जन्म लिया, इस धरती पर आया ताकि हम सब उस सीढ़ी द्वारा स्वर्ग चढ़ सके। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम के जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारी करते समय मां मरियम के गुणों को भी हम अपने जीवन में अपनाने के लिए कोशिश करें। हमारे सभी दुख संकटों को, परेशानियों को, प्रॉब्लम को हम प्रभु के सामने रखें और मादा मरियम के मध्यस्थता मांगे। प्रभु ईश्वर हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।